देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको किसी न किसी एग्जाम में भेंट हो ही जाएगा, ठीक है। तो इसको बनाते हैं, कोई दुकानदार अपनी सामग्री पर उनके क्रय मूल्य से 30% अधिक मूल्य अंकित करता है। भाई क्रय मूल्य मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, ठीक है, और अंकित मूल्य मतलब होता है मार्क प्राइस। अंकित मूल्य कॉस्ट प्राइस से 30% अधिक है, यानी कॉस्ट प्राइस को हम 100 मान लेंगे तो अंकित मूल्य को हम क्या मान लेंगे, सॉरी मार्क प्राइस को क्या मान लेंगे, 130। आगे देखिए, अंकित मूल्य पर 10% का छूट देता है। भाई हमेशा डिस्काउंट जो है, डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे मिलता है और सेलिंग प्राइस के बराबर रहता है। आगे देखिए, 6.5% अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए उसे अंकित मूल्य पर कितनी छूट प्रतिशत देनी होगी, आपसे डिस्काउंट परसेंटेज पूछा जा रहा है। बनाते हैं, देखिए कॉस्ट प्राइस को यानी क्रय मूल्य को हम क्या मान ले, 100 मान लेते हैं, क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, ठीक है। मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, एमपी 130 हो जाएगा। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा भाई, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 117 होगा। कैसे होगा, ध्यान से देखिए, बोल रहा मार्क प्राइस पे 10% का छूट दिया जा रहा है। मार्क प्राइस को हम कितना लिए थे, 130 लिए थे, इस पे 10% का छूट दे रहा है। 10/100 नहीं कर देंगे, डायरेक्ट 90/100 कर देंगे, ठीक है, जैसे करना है कीजिए, एक ही आंसर आएगा। 0-0 कट जाएगा, 13^117 होता है, 13^117 होता है, यानी एसपी आपका 117 निकल के आ गया। आगे देखिए ध्यान से, कहता है 6.5% अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए उसे अंकित मूल्य पर कितनी छूट प्रतिशत देनी होगी। 6.5 अधिक लाभ प्राप्त करना चाहता है, पहले देखिए कितना लाभ प्रतिशत है, तो लाभ प्रतिशत कैसे निकलता है, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलता है, एसपी माइनस सीपी बटा सीपी गुणे 100, ये सब लिखने का जरूरत नहीं है एग्जाम में, ठीक है, हम समझाने के लिए लिख दे रहे हैं। अब देखिए ध्यान से, एसपी कितना दिया है, 117 दिया है, सीपी 100 दिया है, यानी 17 उतरेगा, 17/100 और 100 कट जाएगा, यानी आपका 17 ही निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा भाई, 17% निकल के आएगा, 17% निकल के आएगा। आगे कह रहा था 6.5 अधिक प्राप्त करना चाहता है, 6.5% अधिक लाभ प्राप्त करना चाहता है, यानी पहले 17 था, अब इसमें 6.5 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 23.5% हो जाएगा, 23.5% हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखिए, आपसे पूछा जा रहा है डिस्काउंट परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंटेज पूछा जा रहा है, डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकलता है, एम पी माइनस एस पी बटा एम पी गुणे 100, एम पी मतलब होता है मार्क प्राइस, एस पी मतलब होता है सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, ठीक है। अब हम बनाते हैं, एम पी कितना दिया है, 130 दिया है, माइनस एस पी हमको निकालना होगा, सी पी 100 है, ये पुराना वाला को भूल जाइए, ठीक है, सी पी 100 है। अब यहाँ प्रॉफिट प्रतिशत कितना है, 23.5 है, तो एस पी निकल जाएगा। एस पी कैसे निकलता है, आप डायरेक्ट बना दो ना, 100 × 123.5/100 हो जाएगा, 100 कट जाएगा, यानी 123.5 निकल के आएगा, 123.5 निकल के आया, बटा 130 ही रहेगा, ठीक है, × 100, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम कहाँ शिफ्ट कर दे, इधर कर देते हैं। अब ध्यान से देखिए, 130 में से 123.5 जाएगा तो 6.5 निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा, 6.5 निकल के आएगा, बटा एक सेकेंड 10 से 5 जाएगा तो 5, ठीक है, और इधर 9 से 3 जाएगा तो 6, हाँ 6.5 निकल के आएगा, बटा 130 है और ये गुना यहाँ पे 100 है। ये पॉइंट को हटाइए, नीचे 0 बैठाइए, 2 को 0 कट जाएगा, 13/65, यानी 5 आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है, 5 आपका करेक्ट आंसर है। अब भाई यहाँ एस पी का फॉर्मूला ना, एस पी का फॉर्मूला देख लीजिए क्या होता है, सी पी गुणे 100% प्रॉफिट परसेंट है ना, तो पी कर दीजिए बटा 100 कर दीजिए, फॉर्मूला से बनाइए या डायरेक्ट बनाइए, इजी ही है, ठीक है, आपका 5 करेक्ट आंसर है।